अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 8.2 और ये वीडियो इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुका और उस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूजिंग द पैटर्न मेथड कैलकुलेट मेंटली द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पैटर्न मेथड यूज करके आपको जस्ट मेंटली इन सारे नंबर्स के स्क्वायर्स क्या है ये पता करना, लिखना। तो मेंटली मतलब क्या है, डायरेक्ट स्क्वायर लिख देना, डिटेल्स प्रोसेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए यह एक ट्रिक है, यह शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। यह शॉर्ट ट्रिक यह है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में इधर से आखिर में जो डिजिट होते हैं वही यूनिट प्लेस होते हैं, तो यूनिट प्लेस में अगर 5 है, वो डिजिट 5 है, इसकी जो स्क्वायर नंबर आएगी इसकी यूनिट प्लेस में भी 5 आएगी, ठीक है। तो दूसरी एक बात देखिए, यहाँ जितने सारे नंबर्स हैं इनके स्क्वायर रूट ऐसा ही होगा। देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 के स्क्वायर क्या है, 25 है। अब इसके लेफ्ट में जो डिजिट है इसको देखिए, ये क्या 4 है, तो 4 के बाद के नंबर क्या है, 5 है। तो दोनों को इंटू कर दीजिए, तो 4 × 5 क्या है, 20 है। तो ये जो 45 है इसकी स्क्वायर है 2025। तो आपके आंसर जस्ट ऐसा ही लिखना, स्क्वायर ऑफ 45 इज 2025। अच्छा आप 2 नंबर देखिए क्या होगा, 55 है, तो लास्ट में 5 है, इसकी स्क्वायर 25 है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में क्या है, 5 है, तो 5 के साथ और एक ऐड कीजिए, 6 होगा, और दोनों को इंटू कर दीजिए, 5 × 6 30। तो इसकी स्क्वायर है 30 25। 3 नंबर देखिए, 105 105, तो ये जो 5 है इसकी स्क्वायर क्या है, 25 तो है ना, और इसकी लेफ्ट में देखिए 2 डिजिट्स है, और 2 डिजिट्स से जो नंबर बन रही है वो 10 है, तो 10 के साथ और एक ऐड कीजिए, 11 हो जाएगा। अब दोनों की एंट्री कीजिए, तो 10 × 11 110, ठीक है। तो ये जो 105 है इसकी स्क्वायर रूट है 11025। अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, स्क्वायर ऑफ 225, तो यूनिट प्लेस में 5 है, 5 के स्क्वायर है 25। अब देखिए इधर 22 है, ठीक है, तो 22 के बाद 23 है, तो दोनों को इंटू कर दीजिए, 23, तो 22 से इंटू करें तो ऐसा ही होगा, 46 46 6 0 5 506। तो यहाँ 506 लिख लो। अब 5 नंबर देखिए, स्क्वायर ऑफ 125, तो ये जो 5 है 5 के स्क्वायर 25 है, और इसके लेफ्ट में देखिए 1 2 2 डिजिट्स हैं, तो 12 बन रही है, तो 12 × 13 दोनों को इंटू कीजिए, तो 156 होगा, ठीक है, तो 156 हो जाएगा। अब 6 नंबर देखिए, स्क्वायर ऑफ 1005, तो यूनिट प्लेस में 5 है ना, तो 5 × 20 = 5 5 = 25 होगा। इधर देखिए 100 है, तो 100 से 100 के साथ 1 ऐड कीजिए, तो 101 होगा, और इसको फिर से x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या नंबर आएगा, 10100 आएगा, ठीक है। तो वही लेफ्ट में पुट कीजिए, 10100, तो 1005 की जो स्क्वायर होते हैं ना ये 10100025 होते हैं। गजब की ट्रिक है ना भाई। तो वीडियो अगर पसंद आए ना तो लाइक करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय द पैटर्न मेथड। तो अब स्क्वायर रूट्स निकलना, तो देखिए स्क्वायर रूट्स निकलने की जो पैटर्न मेथड तरीका है ना, वो स्क्वायर निकलने की जो पैटर्न है इसके टिक रिवर्स है, रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ देखिए एक 625 फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट्स ऑफ 625। तो यहाँ देखिए जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 5 होते हैं उसी नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में भी 5 होगा, ठीक है। तो वैसे ही इस स्क्वायर नंबर के लास्ट में 2 डिजिट कॉमन होगा, 2 और 5, सिर्फ 5 नहीं, इस 5 के लेफ्ट में मतलब 10th प्लेस में 2 होगा, मतलब लास्ट में 2 5 होगा जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 5 है, इसकी स्क्वायर की यूनिट प्लेस में 5 और 10th प्लेस में 2 ज़रूर होगा। तो यहाँ देखिए सब के सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इनके लास्ट में जो 2 डिजिट है 5 यूनिट प्लेस में और 2 10th प्लेस में, सब में देखिए, ठीक है। तो जो स्क्वायर रूट निकालने की जो तरीका है पैटर्न मेथड में, तो ये है। तो
यहाँ 625 है ना, तो 25 जो है ना इसे एक पीरियड बना दीजिए, सब में 25 है, देखिए सब में क्या है 25 है लास्ट में। तो अब जो 25 है इसकी स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है, इसकी भी 5 होगा स्क्वायर रूट। यहाँ जो 25 के जो ग्रुप है पीरियड है, यहाँ भी 5 होगा पीरियड में, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ के यहाँ भी लास्ट में 5 होगा, इसकी भी लास्ट में 5 होगा। हम तो इन नंबर्स के स्क्वायर रूट्स निकल रही है ना, इन सब नंबर्स के स्क्वायर रूट्स के यूनिट प्लेस में 5 होगा। अब इनके लेफ्ट में कौन कौन से डिजिट आने वाले हैं, देखिए यहाँ जो 6 बचा है ना, 6, तो इसको ऐसे दो कंसेक्यूटिव नंबर की प्रोडक्ट में लाइए, दिखाइए। तो 6 को हम 2 × 3 ऐसे ही दिखा सकते हैं, 2/3 जो 6 के दो फैक्टर्स हैं, और ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं, मतलब एक के बाद दूसरे है, क्रमिक है। तो यहाँ यहाँ देखिए जो छोटा नंबर है 2/3 में, वही लेना। तो यहाँ 2/3 में छोटा नंबर तो 2 है, तो 2 को लेना। यहाँ देखिए 20 है, तो 20 को हम 4 × 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ छोटा जो होगा ना वही लेना, तो 4 लेना। यहाँ देखिए 2 है, 12 है, ठीक है 12 है, तो इस 12 को हम 3 × 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ जो छोटा होगा ना इसके इसी को लेना, तो छोटा 3 है, 3 को लेना। तो देखिए इसकी स्क्वायर रूट 35 है, इसकी स्क्वायर रूट 45, इसकी स्क्वायर रूट 25। अब देखिए 50, यहाँ देखिए दो डिजिट्स 56 है, तो 56 को हम 7 × 8 ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है 7 × 56। तो यहाँ छोटा नंबर जो 7 है, तो 7 यहाँ लिख दीजिए, तो ये जो नंबर है इसकी स्क्वायर रूट 75 होगी। अब देखिए इसको 5 छोड़ के बाकी क्या बचा, 110, तो 110 को हम 10 × 11 ऐसे ही लिख सकते हैं, ये दोनों भी कंसेक्यूटिव है ना, तो इनमें 10 छोटा है, तो यहाँ 10 लिख देना। तो देखिए इसकी स्क्वायर रूट 105 है। अब इसको देखते हैं, 132 है, 132, इसको हम 11 × 12 लिखते हैं, ठीक है 11 × 12 = 132, तो यह छोटा नंबर 11 है, तो यहाँ 11 लिखे, तो देयरफॉर 13,225 के जो स्क्वायर रूट है ये 115 है। कैसा लगा भाई, अच्छा लगा ना, तो जोर से लाइक बटन को दबा देना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गैस हाउ मेनी डिजिट्स देयर आर इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द लॉन्ग डिविजन मेथड एंड सी इफ योर गैस इज करेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इनसे परफेक्ट स्क्वायर्स है, तो फर्स्ट गैस करना, अंदाजा लगाना इनके स्क्वायर रूट्स में कितने कितने डिजिट्स आएंगे होरियक के, और इसके बाद होरियक को लॉन्ग डिविजन मेथड में स्क्वायर रूट निकलना, ठीक है। तो लॉन्ग डिविजन मेथड में कैसे स्क्वायर रूट निकलते हैं ये मैंने अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक चीज़ देखिए, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे ये पता करने के एक शॉर्टकट तरीका है। हम इसके स्क्वायर रूट निकलने बिना हम पता कर सकते हैं इजीली कि इसकी स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे। तो देखिए अगर इसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट इवन है तो n बाई टू होगा। n मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, n बाई टू फॉर्मूला है, मतलब जितने सारे डिजिट्स हैं, डिजिट जितने हैं इसको 2 से डिवाइड देना, तो डिवाइड देने से जो रिजल्ट आएगा इतने ही नंबर्स होंगे। और अगर ऑड है तो इसके फॉर्मूला है n प्लस 1/2। तो यहाँ देखिए मान लीजिए 625 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो देखिए इसकी स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, तो यहाँ देखिए 625 तीन डिजिट्स है, मतलब ऑड नंबर्स है, तो देखिए यहाँ 3 ऑड तो है ना, तो इसके प्लस इसके साथ 1 प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड दीजिए, तो 3 + 1 = 4, 4/2 = 2। तो इसकी जो स्क्वायर रूट्स आएगा ना इसमें 2 डिजिट्स होंगे, 625 के स्क्वायर रूट क्या होते हैं 25 ही होते हैं ना, तो देखिए 2 डिजिट्स आ रहे हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए 81 है, इसके स्क्वायर रूट क्या है 9 है, तो देखिए 9 आती है कि नहीं, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, 8/1 2 डिजिट्स है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो 2/2 = 1। तो देखिए इसके स्क्वायर रूट में 9 है ना, तो ये 1 डिजिट नंबर है, तो इसमें डिजिट क्या कितने हैं 1 है। तो इसी फॉर्मूला से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जितने सारे स्क्वायर नंबर्स हैं इनके स्क्वायर रूट्स में कितने नंबर कितने डिजिट्स होंगे। तो यहाँ देखिए गैस करने के लिए कहा, तो ज़्यादा डिटेल्स जाने की कोई ज़रूरत नहीं,
तो इसके सजेशन में देखिए, तो आंसर ऐसे ही लिखना, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 6241 इज, तो यहाँ क्या है, कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4/2 इज इक्वल टू 2, कितने हैं, 2 आया। अब लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से इसकी स्क्वायर रूट निकल के हमें चेक करना पड़ेगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, तो यहाँ देखिए 6241 है, यहाँ 4 डिजिट्स है, तो देखिए एक्सट्रीम राइट से दो दो डिजिट्स लेके पीरियड बनाना, ग्रुप बनाना, तो इन दोनों डिजिट से एक पीरियड होगा, इन दोनों से भी एक पीरियड होगा, तो आप ऐसा ही लिखना 6241, ये एक एक पीरियड और ये एक पीरियड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। आप देखिए इस साइड वाले पीरियड में हमेशा लेफ्ट से जाना होगा, इस साइड वाले पीरियड में देखिए 62 है, तो 62 के करीब, 62 तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो कोई बात नहीं, इसके स्क्वायर क्या है हम देख लेते हैं, लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं 62, तो इससे छोटा कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 49 है, 49 है, लेकिन इसकी बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना वो इस ग्रुप में जो नंबर है इससे छोटा होना चाहिए, तो 49 है, तो देखिए 49 के स्क्वायर क्या है, 7 है, 7 है ना, तो यहाँ 7 लिखना और यहाँ भी 7 लिख देना, 7 7 49, तो यहाँ 49 लिख देना। अब इस 49 को 62 से माइनस करना, तो 12 - 9 क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, तो यहाँ से तो 1 यहाँ क्या किया, बोरो किया, तो यहाँ 5 बचा, तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ रिमाइंडर किया क्या हुआ, 13 हुआ। अब ये जो पीरियड है इसको डाउन कर देना, तो 41 है। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे 1341 नंबर पर, तो आप क्या करते हैं, तो यहाँ यहाँ जो नंबर है देखिए, इसको नहीं, इसको इसको डबल करें, इसको डबल करना, तो 2 7 14 होगा, और यहाँ एक डिजिट के लिए एक गैप रखना, ब्लैंक जगह रखना, ताकि यहाँ एक और एक डिजिट लिखा जाए, ठीक है। लेकिन ध्यान से फिर से समझना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 14 है यहाँ, इसकी डबल नहीं, इसकी डबल है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो किसी की डबल करें तो 14 तो आएगा, तो यहाँ बात क्या है, इसकी नहीं, इसकी डबल करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में जब जाएंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे ही स्टेप करते करते आगे बढ़ना है, जब तक ऐसे ही माइनस करके रिमाइंडर 0 ना आए, तो इस केस में हमेशा यहाँ पर जो नंबर होगा इसको डबल करना पड़ेगा, तो अगर फर्स्ट जो नंबर होगा ना यहाँ, तो दोनों सेम होगा, लेकिन इसकी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जो दो नंबर है ऐसा ही सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा, इसलिए डबल करना पड़ेगा हमेशा इसको, यहाँ के नंबर को। तो इसलिए आपको ये चीज़ आपके दिमाग में घुसाने के लिए ऐसे ही कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए एक ऐसा डिजिट ढूंढ लेना, एक ऐसा डिजिट ढूंढ लेना ताकि वो डिजिट यहाँ पे लिखा जाए, और यहाँ लिखने के बाद, यहाँ लिखने के बाद वही नंबर्स, वही डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना, और इसके बराबर या फिर थोड़ा सा कम, इसके बराबर या फिर इसकी नियरेस्ट होना चाहिए, और नियरेस्ट का मतलब इससे ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसी नंबर ढूंढ लेना। तो देखिए अगर यहाँ 1 लिखे तो यह एक टेक्निक देखिए, इसकी आखिर में क्या है, 1 है, 1 है ना, तो अगर यहाँ 1 लिखे तो 141 होगा, फिर से वही 1 यहाँ पुट करना और वही 1 से इसको मल्टीप्लाई करना, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से तो सेम 141 आएगा, लास्ट में तो 1 ही आएगा, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 लास्ट में आएगा, ठीक है, लेकिन इसके बराबर नहीं है, बहुत कम है। तो और एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ हम 9 पुट करें, यह हम 9 पुट करें तो ये 149 होगा, और वही 9 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, और वही 9 को यहाँ पुट करना होगा 7 के बाद, ठीक है, ये है प्रोसेस। तो 9 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि इसके बराबर आएगा कि नहीं, तो 9 into 9 81 1 कैरी ओवर 8, 4 9 36 प्लस 8 44 44 4 यहाँ कैरी ओवर 4, 9 1 9 प्लस 4 13, तो देखिए बराबर आ रही है ना, तो 13 कौन सी डिजिट से बराबर आ रही है, 9 से, तो यहाँ 9 पुट करना और यहाँ भी 9 पुट करना, तो आप देखिए 9 into 149 इज इक्वल टू 1341, तो देखिए इसको, इससे इसको माइनस करने से तो 0 आएगा,
तो भाई आप स्टेप्स खत्म हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको ये जो ऊपर के जो नंबर है ना, इस वही है स्क्वायर रूट। तो आप लिखना देयरफॉर स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट साइन लगा देना, 6241 इज इक्वल टू क्या है, 79 है। तो देखिए इसमें भी दो डिजिट्स है, तो यह हमने शॉर्टकट जो गेस किया ना, यह भी दो डिजिट्स आया है। क्या आया है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 6241 इज 2। तो यहाँ भी देखा कि 719 दो डिजिट्स है, तो मिला कि नहीं, मिल गया। अच्छा आप क्वेश्चन नंबर टू देखिए, 3249, तो इसमें इसके स्क्वायर रूट्स में कितने डिजिट्स होंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज एन बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ एन के वैल्यू क्या है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 है, तो यहाँ 4 पुट करना, तो 4/2 इज इक्वल टू 2, इसकी भी 2 आएगा। ठीक है, अब लॉन्ग डिविजन प्रोसेस से हम इसकी स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 3249 है, इससे हम दो पीरियड्स बना सकते हैं। ठीक है, और हर एक पीरियड में दो दो डिजिट्स हैं, तो 3249। अब देखिए 32 ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके छोटा नियरेस्ट कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, 25 है। तो 25 से स्क्वायर रूट क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 लिखना, यहाँ भी 5 लिखना। ठीक है, तो 5 5 ज़ार 25, आप 32 से 25 माइनस कीजिए, तो 12 माइनस 5 7 है। अब इस 49 को यहाँ डाउन कीजिए, 49, आप इस 5 को डबल करें, तो 2 5 ज़ार 10, और यहाँ एक डिजिट के लिए गैप रखना, 2 5 ज़ार 10। आप देखिए यहाँ एक ऐसा डिजिट लेना, और इस डिजिट से जो नंबर बनेगा ना, उसको वही सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करके देखना कि इसके बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आए तो भी काम चलेगा, इसके नियरेस्ट छोटा कौन से नंबर होगी, लेकिन इसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लास्ट में 9 है, तो अगर यहाँ 3 लिखूँ तो 103 होगा, तो वही 103 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 3 ज़ार 9 मिलेगा, लेकिन 3 10 ज़ार 30 3 0 9 हो रहा है, 3 0 9 हो रहा है, इससे बहुत कम है, तो मतलब यहाँ 3 नहीं होगा, और फिर से देखना पड़ेगा। तो देखिए 7 × 7 49 है, 7 7 ज़ार 49, तो यहाँ अगर 7 लिखे तो 107 होगा, तो वही 107 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखें कि इसके बराबर आ रही है कि नहीं, तो 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7, देखिए 7 49 आ गया ना, तो कौन सी डिजिट यूज़ करने से, 7 यूज़ करने से, तो वही 7 यहाँ पुट करना। आप देखिए 7 × 107 इज इक्वल टू 749, 749 आया ना, तो आप प्रोसेस खत्म, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 बन गया। इस नंबर की स्क्वायर रूट क्या है, 57 है। तो देयरफॉर अंडर रूट 3249 इज इक्वल टू 57। इजी है ना, बहुत सी इजी है। आप देखिए 3 नंबर 4625, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 4625, तो यहाँ भी 4 डिजिट्स है, तो 4/2 इज इक्वल टू 2 होगा। आप देखिए 4625 को हम 46 से एक पीरियड और 25 से और एक पीरियड बना सकते हैं, तो 46 एक पीरियड और 25 और एक पीरियड, आप प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। तो 46 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसकी छोटा नियरेस्ट कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है, 36 है, तो 36 की स्क्वायर नंबर क्या है, 6 है, तो इन दोनों जगह 6 लिख दीजिए। आप देखिए 6 6 ज़ार 36, तो 46 − 36 10 है। अब इस 25 को नीचे ले आइए, अब ये जो 6 है इसको डबल करें, तो 2 6 ज़ार 12 होगा, और यहाँ एक जगह रखना। अब देखिए यहाँ कौन सी डिजिट अप्लाई करना, कौन सी डिजिट यहाँ पुट करना था कि ये डिजिट मिलके जो 3 डिजिट नंबर होगा ना, इसको वही डिजिट से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आना, या फिर इससे नियरेस्ट छोटा नंबर आना। तो देखिए यहाँ लास्ट में 5 है ना, लास्ट में 5 है, तो अगर हम 5 से यहाँ 5 पुट करें, ठीक है, तो 125 होगा, तो वही 125 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 625 आएगा, 625 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 625 इससे बहुत कम है, तो क्या करना। अच्छा देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, ये 2 4 है, यहाँ भी 2 4 है, तो
यहाँ 2 4 होगा, ठीक है, तो यहाँ भी 2 4 होगा, 2 5 नहीं 2 6 है। तो आप देखिए यहाँ कौन सी डिजिट लाना ताकि यहाँ 4 हो जाए। तो देखिए 2 × 2 इज इक्वल टू 4 और 8 × 8 इज इक्वल टू 64, मतलब इन प्लेस में 4 आएगा। तो या तो यहाँ 2 लाना या तो 8 लाना। अगर यहाँ 2 लाए तो 122 होगा, और 122 को 2 से मल्टीप्लाई करने से लास्ट में जो डिजिट आएगा वो 4 आएगा। और अगर यहाँ 8 लाया जाए तो 8 से उसी ही 8 से बनी हुई यह जो 128 होगा ना, इसको 8 से मल्टीप्लाई करने से लास्ट में 4 आएगा। तो देखिए यहाँ अगर 2 लाया जाए तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 244 होगा, इससे बहुत कम होगा, तो ये ज़रूरी है भाई 8 होगा। तो 8 से इसको आप 128 बन रहे हैं, 8 से इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए 8 8 64 4 कैरी ओवर 6, 8 2 16 प्लस 6 22 2 कैरी ओवर 2 और 8 1 8 प्लस 2 10 है, तो 1024 आ रहे हैं किससे, 8 से। तो वही 8 को यहाँ भी लिखना, तो 8 × 128 इज इक्वल टू 1024। अच्छा आप देखिए 1024 माइनस 1024 0 है, प्रोसेस समाप्त है। तो देयरफोर अंडर रूट 4625 इज इक्वल टू 68 है, इसमें भी 2 डिजिट्स है। तो आप फोन नंबर देखिए 8464, तो इसमें इसके जो स्क्वायर रूट आएगा ना इसमें डिजिट्स 2 होगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 2 होगा। तो आप देखिए इसमें 2 ग्रुप बना सकते हैं, 2 पीरियड 84 और 64, तो 8464 से 2 ग्रुप बना लिया। अब देखिए 84 के करीब कौन सी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, 81 है, क्योंकि 84 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। तो 81 के स्क्वायर रूट क्या है, 9 है, तो वही 9 यहाँ लिखना, यहाँ भी लिखना। आप देखिए 9 9 81, ठीक है। अब देखिए 84 माइनस 81 3 है, अब इस 64 को डाउन कीजिए, आप उसी ही 9 को डबल कीजिए तो 18 होगा, यहाँ गैप रखना है एक डिजिट के लिए। तो आप देखिए यहाँ कौन सी डिजिट आना ले आना, तो यहाँ 4 है ना, तो अगर यहाँ 2 लाओ, 2 लाया जाए अगर यहाँ, तो 82 होगा, और वही 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 2 4 लास्ट में आएगा। तो देखिए 182 × 2 2 2 4 2 18 36 364, देखिए 364 आ रही है ना, तो वही 2 को यहाँ पुट करना। तो देखिए 2 182 364, तो आप देखिए 364 माइनस 364 0, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 92 है। देयरफोर अंडर रूट 8464 इज इक्वल टू 92, इजी है ना, बहुत सी इजी है। अब फाइव नंबर देखिए 9801, तो यहाँ भी 4 डिजिट्स है, तो इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 2 ग्रुप्स होगा, 2 पीरियड्स 98 और 01, ठीक है। तो 9801 यहाँ 2 ग्रुप्स हो रही है पीरियड्स। अब देखिए 98 के जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो 81 है, तो 81 का स्क्वायर क्या है, 9 है, तो 9 लिखना, यहाँ भी 9 लिखना, 9 9 81। अब इसे माइनस कीजिए, 7 17 होगा। अब इस 01 को यहाँ नीचे लाइए, तो आप देखिए 1701 पर प्रोसेस लगाना, तो देखिए इसकी डबल कीजिए, 2 9 18 होगा। अच्छा यहाँ कौन सी डिजिट यूज़ करना, देखिए इसकी लास्ट में 1 है, तो यहाँ देखिए यहाँ अगर 1 लाया जाए तो 181 होगा, और 1 से फिर इसी को 1 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा, यूनिट में 1 होगा, लेकिन 1 से इसको मल्टीप्लाई करें 181 ही होगा, इससे बहुत कम है। अच्छा आप देखिए अगर यहाँ 1 के बदले में 9 लाया जाए तो यहाँ 9 होगा, तो वही 9 से इंटू करना पड़ेगा, तो 9 9 81 के 1 वही आखिर में 1 होगा। तो मतलब यहाँ अगर 1 लाया जाए तो भी 1 होगा, 9 लाया जाए तो यहाँ तब भी 1 होगा। तो हम इसको 9 से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 9 81 1 कैरी ओवर 8 8 9 72 प्लस 8 72 प्लस 2 प्लस 8 क्या होते 80 होते, तो 80 के 0 कैरी ओवर 8, तो 8 1 8 9 1 9 प्लस 8 17, तो 1701 आया, एग्जैक्टली आ गया। तो यहाँ क्या होना, 9 होना, 9, तो यहाँ भी 9 लिखना, तो 9 189 1701, तो प्रोसेस ख़त्म हो गया, ठीक है, 0। तो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या है, 99 है। तो देयरफोर अंडर रूट 9801
इज इक्वल टू 99। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, 7569, ठीक है। तो 7569 तो यहाँ भी चार डिजिट्स हैं, तो 4/2 इज इक्वल टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट इज 2। तो आप इसको इसकी स्क्वायर रूट निकलते हैं, तो 7, 5 से एक ग्रुप और 69 से एक ग्रुप। तो देखिए 75 जो है ना, इसके नियरेस्ट कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, 64। तो 8 इसके स्क्वायर रूट 8 है, तो 8 यहाँ भी 8 होगा, तो 64। तो 5 - 4 1 है, 7 - 6 1 है, ठीक है। अच्छा आप 69 को नीचे ले आना, इसके डबल करना 16 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कौन सी नंबर लेना, तो यहाँ देखिए लास्ट में 9, तो 3 × 3 9 होगा। दूसरे 7 × 7 भी 49 है, आखिर में 9 है, मतलब यूनिट प्लेस में 9 है। तो देखिए यहाँ अगर 3 लाया जाए और 3 से 163 को इंटू करें, तो इससे बहुत छोटा होगा, तो 7 होगा। तो 7 से ट्राई कर लेते, तो 167 को 7 से ट्राई करना, तो 7 × 7 = 49, 9 × 4 = 6, 7 × 42 + 4 = 46, 3/4 7 + 7 + 4 = 11, तो 11 = 69 आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 7 होगा, तो 7 यहाँ भी लिखना, ठीक है। तो 7 × 167 = 1169। तो देखिए 0 आया, तो अब प्रोसेस समाप्त है। तो इसकी ये जो नंबर है, इसकी स्क्वायर रूट 87 है, देयरफॉर अंडर रूट 7569 = 87। इतनी इजीली निकल आती है। अब नेक्स्ट देखिए 7 number 4900 4900, तो इसके भी चार डिजिट है, तो इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट आएगा। तो देखिए ये 70 के स्क्वायर होगा, मतलब इसकी स्क्वायर रूट 70 होगा, 7 × 7 = 49, और उसके बाद 49 ना, और उसके बाद 2 0, ये तो इजी है। अच्छा आप इसको ऐसे ही लॉन्ग डिविजन प्रोसेस से ट्राई करना, ये इजीली निकल आएगा। अब नेक्स्ट एक नंबर देखिए 7921, तो 4 डिजिट है, स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स होगा। अच्छा तो इसको देखिए 79 से एक पीरियड होगा और 21 से और एक पीरियड। आप देखिए 79 के करीब क्या है, 81 है, लेकिन 81 तो इसके बाद इससे बड़ा है, तो इससे छोटा क्या है, 64 है, इसके स्क्वायर रूट 8 है, तो यहाँ भी 8 होगा। अच्छा आप देखिए 8 × 8 = 64, तो 9 - 4 = 5 है, 7 - 6 = 1 है, यहाँ 21 को भी ले आना। अब देखिए 2 × 8 = 16, यहाँ 16 लिखना। अच्छा लास्ट में 1 है, तो अगर यहाँ 1 पुट किया जाए तो 161 होगा, और इससे 161 को 1 से मल्टीप्लाई करने से यह नंबर नहीं आएगा, बहुत छोटा आ जाएगा। तो अब देखिए 9 से भी होते हैं, 9 × 9 = 81, तो यूनिट प्लेस में देखिए 1, तो यहाँ भी 1 आना चाहिए ना। तो अगर इसको यहाँ 9 लिया जाए, 9, तो 169 होगा, 169 होगा। तो इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो देखते हैं कि इस नंबर आ रही है कि नहीं, तो 9 × 9 = 81, 1 के लिए ओवर 8 × 6 = 54 + 8 = 62, के लिए ओवर 6 9 + 9 + 6 = 15, तो आ गया देखिए, तो 9 होगा। तो देखिए 169 × 9 = 1521, 0 है। अच्छा तो देयरफॉर अंडर रूट 7921 = 89। अब नेक्स्ट देखिए 9 नंबर 10404, तो इसमें 5 डिजिट है, तो यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, ये तो ऑड डिजिट है ना, डिजिट के टोटल नंबर जो है 5 है, 5 है, तो ये ऑड है, तो n + 1 होगा, तो n की जगह में यहाँ क्या है, 5 है, नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है, तो 5 + 1 / 2 = यहाँ 5 + 1 = 6, 3 होगा। तो देखिए ये जो नंबर है, इसकी स्क्वायर रूट में 3 डिजिट वाला एक नंबर मिलेगा स्क्वायर रूट में। अच्छा तब इसकी स्क्वायर रूट निकल के चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ 10404 है, तो अब क्या करना, अब तक तो हमने 4 डिजिट वाले नंबर्स सॉल्व किए थे, जिनमें 2 करके हमने पीरियड बनाए थे ना, तो यहाँ 5 डिजिट, तो अब क्या करना, तो इन 2 डिजिट से एक पीरियड, इन 2 डिजिट से एक पीरियड, और लास्ट में एक डिजिट बचेगा, वही एक डिजिट से एक पीरियड बनाना, वही रूल होते हैं।
अच्छा आप देखिए इसमें कितने पीरियड है, तीन पीरियड है, तो यहाँ स्टेप तीन स्टेप होगा। अच्छा तो देखिए 0 4 इसके बाद फिर से 0 4 और यहाँ 1 है। अच्छा आप देखिए ये जो 1 है ना, 1 से तो एक पीरियड हो रही है ना, देखिए 1 1 तो एक्चुअली एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसकी स्क्वायर रूट भी 1 है, तो यहाँ 1 लिखना है, यहाँ भी 1 लिखना, तो 1 into 1 1 है, 1 minus 1 0 है। अब इन दो पीरियड्स को ले आना तो 4 आ रही है। अब देखिए इस 1 को डबल करना, ठीक है, तो 2 1 2 होगा, यहाँ गैप गैप रखना। अब देखिए 2 के साथ एक ऐसा डिजिट लेना जिससे जो नंबर बनेगा उससे वही नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो ऐसा कोई नंबर है कि नहीं, ऐसा तो देखने को नहीं मिल रही है ना, तो काम करना यहाँ 0 लगाना। यहाँ जबकि 3 पीरियड्स है, 3 पीरियड्स है तो 3 स्टेप्स होगा, इसलिए यहाँ खत्म नहीं होगा, और यहाँ लास्ट डिजिट के जो 4 है ना, इससे यहाँ मैच आप नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ तो एंड नहीं हो रही, तो यहाँ 0 कितना, यहाँ भी 0 होगा, तो 0 into 20 क्या, 0 into 20 0 ही होगा, तो अब 4 ही बचेगा। ठीक है तो देखिए फिर से 0 4 एक पीरियड है, इसको नीचे ले आना। अब देखिए वही 10 को डबल करना, तो 10 into 2 20 होगा, यहाँ भी एक गैप रखना है एक डिजिट के लिए, तो मैंने कहा था ना फास्ट कि यह इसको डबल करना, इसको नहीं, अगर इसको डबल करके ले आते ना तो इस स्टेप में इसको डबल करनी पड़ती जो कि गलत है, ठीक, तो इसलिए मैंने कहा हमेशा ये यहाँ जो नंबर होगा इसको डबल करना, और फर्स्ट स्टेप में ये नंबर और ये नंबर हमेशा सेम ही रहेगा। तो देखिए अब 404 है, तो कौन सी डिजिट यहाँ लाने से जो नंबर बनेगा, एक ऐसा नंबर बनेगा, और वही डिजिट से मतलब वो नंबर से इस न्यू नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये 404 आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ लास्ट में तो 4 है, तो यहाँ काम कीजिए 2 लगाइए, तो 202 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से 404 आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 लिखना, तो 2 into 202 400 4 होगा, तो देखिए 0 आ रही है, तो अब स्टेप्स खत्म हो गया। तो देखिए ये जो नंबर है इसकी स्क्वायर रूट 102 है, तो देयरफॉर अंडर रूट 10404 इज इक्वल टू 102 है। तो देखिए यहाँ 3 डिजिट आ रही है स्क्वायर रूट में, तो यहाँ भी 3 डिजिट निकला, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, 102 को 102 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये नंबर आ रही है कि नहीं, तो 2 2 4 2 0 0 2 1 2, अच्छा 1 2 2 1 0 0 0 और 1 1 1, तो 4 0 4 0 1, तो देखिए 10404 है ना, 10404 है, तो चेक भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 34596, तो इसमें भी 3 आएगा, तो इसको पीरियड बनाते हैं, तो 3 से एक पीरियड होगा, इसके बाद देखिए 45 से होगा, इसके बाद 96 से ही होगा, वैसे ही होते हैं ना, तो देखिए 3 के करीब नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो 1 है, तो 1 के स्क्वायर रूट भी 1 है, तो यहाँ 1 लिखना, तो 1 into 1 1 है, अब 3 minus 1 2 है, ये जो पीरियड है इसको नीचे ले आना, तो 45, अब देखिए इस 1 को डबल कीजिए, 2 1 2 है, अब देखिए यहाँ कौन सी नंबर लाना, तो अगर मैक्सिमम आप 9 तक ले सकते हैं, तो 9 को लेकर चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ 245 है और 9 लेने से 29 होगा, तो 9 into 29 मोटा मोटी इसके करीब आ जाएगा, ठीक है, तो 29 into 9 9 81 1 3 8, तो 2 9 18 plus 8 20 26 261, तो थोड़ा सा ज़्यादा भरी है, तो 8 ज़रूर होगा, तो यहाँ भी 8 लिखना, तो 8 into 28 क्या होगा, देखिए 28 को 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 8 64 4 6, तो 2 8 16 plus 6 22, तो 224 आया, 224, ठीक है, माइनस करना, 5 minus 4 1 है और 4 minus 2 2 है, अब इस पीरियड को नीचे ले आना 96 को। अब देखिए ये जो 18 है इसको डबल करना, तो 2 18 36, यहाँ भी गैप रखना, तो अब यहाँ कौन सी डिजिट लाने से काम हो जाएगा, देखिए यहाँ 3 पीरियड्स हैं, तो स्टेप्स भी 3 होगा, तो आप देखिए यहाँ लास्ट में 6 है, तो 6 कैसे मिलते हैं, देखिए 4 into 4 16 होते हैं, और 6 into 6 36 होते हैं, दोनों के लास्ट में मतलब यूनिट प्लेस में 6 है, तो यहाँ भी 6 है, तो यहाँ या तो 4 या तो 6 आएगा, या तो 4 या तो 6 आएगा, ठीक है, तो 4 यहाँ 4 लेके देखते हैं, 4 लेके देखा जाए तो
नहीं आएगा, नहीं होगा, फोर लेने से छुटा हो जाएगा, इससे बहुत कम हो जाएगा, तो सिक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ अगर सिक्स लाया जाए तो 366 होगा, 366 होगा, तो वही सिक्स से भी इसको मल्टीप्लाई करना, तो 6 6 36, 6 carry over 3, 6 36 plus 3 39 मिली है ना। अच्छा 3 6 18 plus 3 21, तो 2196 2196 हो गया, तो यहाँ क्या होगा, सिक्स ही होगा, तो 6 into 366 = 2196, तो यहाँ रिमाइंडर जीरो बचा। तो देखिए ये जो नंबर है इसकी स्क्वायर रूट 186 है, तो देयर फोर 3 4 5 9 6 = 186, क्या बात है। तो यहाँ देखिए 11 नंबर 33856, तो 5 डिजिट है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स स्क्वायर रूट इज 3, 3 तो आए, तो ग्रुप बनाते हैं, तो 56 से एक ग्रुप होगा, इसके बाद 38 से होगा, और लास्ट में 3 बचा, तो 3 से एक ग्रुप होगा। अब देखिए 3 के फोर 1 है, परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर रूट भी 1 है, तो 1 1 1 2 1 1 है, 3 minus 1 2 है। अब 38 को डाउन करना, अब 2 1 2 यहाँ लिखना, तो यहाँ देखिए कौन से नंबर लाने से होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने देखे थे कि 28 into 8 = 224 होते हैं, तो यहाँ 8 लाने से 28 होगा, तो यहाँ भी 8 होगा, तो देखिए 8 into 28 224 ही होते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए 28 8 224 आ रही है, तो देखिए 8 minus 4 4, 3 minus 2 1, अब बचा एक पीरियड 56, इसको डबल करना। अब देखिए 18 को डबल करना, तो 2 18 36। अब देखिए यहाँ कौन से नंबर लगाना है, तो यहाँ लास्ट में 6 है, तो देखिए 4 4 16 और 6 6 36, लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में भी 6 है, अगर यहाँ 6 लिया जाए तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर यहाँ 4 लिया जाए तो देखिए 364 होगा, और 4 से इंटू करना, 4 4 16 6 carry over 1, 4 6 24 plus 1 25, 3 4 12 plus 2 14, तो 1456 है, तो यहाँ 4 लाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 होगा, तो 4 into 364 = 1456, 0 है, तो देयर फोर अंडर रूट 33856 = 184, इसी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 64516, तो यह 5 डिजिट्स है, यह 3 होगा, आप पीरियड बना लेना, तो 16 से एक पीरियड होगा, इसके बाद देखिए 45 से एक पीरियड, इसके बाद लास्ट में 6 बचा, तो 6 से एक पीरियड, तो 6 के करीब परफेक्ट स्क्वायर 4 है, और 4 के स्क्वायर नंबर 2 है, तो 2 2 2 2 4, तो 6 minus 4 2, या 45 डबल करना, तो 245 होगा, तो इसको डबल करना, 2 2 4, यहाँ गैप रखना। अब क्या करना, अच्छा अगर यहाँ 5 लाया जाए तो 45 होगा, तो यहाँ भी 5 होगा, और 5 into 45 225 होगा, देखिए 45 5 5 5 5 25 5 carry over 2, और 5 4 20 plus 2 22 225, ठीक है। अच्छा 5 minus 5 0 है, 4 minus 2 2 है, आप 16 को लाना, तो क्या यार 2016, अब इसको डबल करना, तो देखिए 225 50 है, ठीक है, तो यहाँ कौन से नंबर लाना, यहाँ तो लास्ट में 6 है ना, तो देखिए 6 कैसे मिलेंगे, 4 into 4 16, और 6 into 6 36, लास्ट में 6 मिल रही है, मतलब एक ऐसी नंबर जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस में 4 है या फिर 6 है, तो इनको स्क्वायर करने से भी जो नंबर आएगा इसके यूनिट प्लेस में भी 6 होगा, ठीक है, तो यहाँ भी 6 है, तो अब मैच कर लेना, तो फर्स्ट 4 से ट्राई करते, यहाँ 4 अगर लाया जाए ना तो क्या होगा, वही 4 से 504 को इंटू करना पड़ेगा, तो 4 से इंटू कीजिए, 4 4 16 और 5 4 20 मिल रही है ना, तो 4 होगा, तो यहाँ भी 4 होगा, ठीक है, तो 4 500 4 2016, तो देखिए 0 आ रही है, तो स्टेप खत्म हो गया, तो देयर फोर 64516 अंडर रूट 64516 = 254, कितनी इजी है भाई।
आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 3,52,836। तो यहाँ देखिए टोटल नंबर डिजिट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो इवन है भाई, तो 6/2 = 3 ही होगा। ठीक है, तो 5 डिजिट्स होने से भी 3 होगा और 6 डिजिट्स होने से भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ग्रुप बना दें, तो देखिए इन दोनों से एक ग्रुप, इन दोनों से एक ग्रुप, इन दोनों से एक ग्रुप आराम से हो जाएगा। दो दो करके हो रही है ग्रुप में, मतलब पीरियड में दो दो डिजिट्स होंगे, तो 36, 28 और 35। तो देखिए यहाँ भी 3 स्टेप्स होंगे, तो 35 के करीब जो मतलब छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 25 है, तो इसके स्क्वायर रूट 5 है, तो 5 लिखना, यहाँ भी 5 लिखना, तो 5×5=25। तो देखिए रिमाइंडर 10 होगा, आप 28 को डाउन कर लेना, इसको डबल कर लेना, 2×5=10। यहाँ एक डिजिट के लिए गैप रखना। अब यहाँ कौन सी नंबर लाने से होगा, तो देखिए अगर यहाँ 9 लाया जाए तो 109 होगा, और वही 9 से इंटू करनी पड़ेगी, तो 9×81, 1 carry over 8, तो 9000, अच्छा 81 होगा, तो 9×1=9, 981 हो रही है, तो 9 से ज़्यादा तो आप नहीं ले सकते। तो देखिए 9 लाने से 981 हो रही है, यहाँ एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो यहाँ 9 होगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, तो 9×109=981, तो 981, अच्छा 8-1=7 है, अच्छा यहाँ देखिए 12-8=4 है, और यहाँ 9-90 है। अब देखिए इस पीरियड को नीचे ले आना, 36, इसको डबल करना, 259,118, यहाँ भी गैप रखना। अब देखिए यहाँ तो स्टेप्स 3 ही होंगे, और लास्ट स्टेप है ये, क्योंकि यहाँ 3 पीरियड है और यह तीसरी पीरियड है, लास्ट ही है, तो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा हमारे स्टेप्स प्रोसेस। तो यहाँ देखिए लास्ट में 6 है, तो 4 से 6 मिलेगा और 6 से भी 6 मिलेगा, तो यहाँ 4 लाने से कौन सा नंबर आएगा, 1184, तो फिर 4 से इंटर करनी पड़ेगी, 4×4=16, 6×4=1, 4×8=32+1=33, carry over 3, 4×1=4+3=7 और 4×1=4, 4736 आया। तो यहाँ कौन सी डिजिट लाने से, 4 लाने से, तो यहाँ भी 4 आएगा, तो 4×1184=4736, 4736। तो देखिए 0 आ रही है, तो स्टेप फिनिश। तो देयर फोर अंडर रूट 3,52,836=594। कमाल की बात है ना भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 10,000, तो ये बहुत इजी है, इसमें 5 डिजिट्स है, तो 5+1/2=3, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट इज 3। तो देखिए 100×100=10,000। ठीक है, तो इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट क्या है, 100 है। ठीक है, तो ये तो इजी है, ये आप खुद ही कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 12,321, तो यहाँ भी 5 डिजिट्स है, तो 5+1/2=6, तो पीरियड बनाते हैं, 21, 23 और लास्ट में 1 होगा, तो 1 जो है ना ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट 1 है, तो यहाँ भी 1 होगा, 1×1=1 है, तो 1×1=0 है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में 0 लिखने की कोई माने नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ 23 को डाउन कर लेना, 23, अब इसको डबल करना, तो 2×1=2 है। अब देखिए यहाँ कौन से नंबर लाना, मिनिमम आप 0 ले सकते हैं और मैक्सिमम 9 तक ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर 1 लाया जाए तो 21 होगा, तो देखिए 1 अगर लाया जाए तो 21 होगा, तो 1×21=21 ही होगा। ठीक है, तो 23×21=2 है। ठीक है ना, अब ये जो 21 एक पीरियड है इसको ले आना। ठीक है, अब देखिए इसको डबल कर देना, तो 2×11=22। तो देखिए यहाँ गैप रखना है एक डिजिट के लिए, तो यहाँ कौन सा डिजिट होगा, ऑब्वियसली 1 होगा, देखिए यहाँ 221 और यहाँ अगर 1 है तो 221 बनेगा, और यहाँ भी 1 होगा, तो 1×221 वही 221 है, तो 221-221=0 है। तो देखिए ये बहुत ईजी है, तो देयरफॉर अंडर रूट 12,321=111 है इसके स्क्वायर रूट। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लास्ट क्वेश्चन, 49,729, 5 डिजिट्स है, तो 5+1/2=3 है,
तो यहाँ इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। तो ग्रुप बना लेना 29 से एक ग्रुप, 97 से एक ग्रुप और 4 से एक ग्रुप। तो यहाँ देखिए 4 जो है ना सिंगल डिजिट से एक पीरियड, तो ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी स्क्वायर रूट 2 है। तो यहाँ भी 2 लिखना, तो 2 2 4 4 4 0, तो यहाँ 97 को नीचे ले आना। अब इसको डबल कर देना तो 2 2 4 है। अब यहाँ कौन सी डिजिट लाना, देखिए यहाँ अगर 2 लाया जाए तो 42 होगा और 2 यहाँ भी होगा। अब 2 42 2 84, देखिए यहाँ अगर 3 लाया जाता ना तो यहाँ भी 3 होता, और 3 से इंटू इसको मल्टीप्लाई करने से इससे ज़्यादा हो जाता, 100 पार हो जाता, तो इसलिए 2 लाया। तो आप देखिए 97 माइनस 84, तो 7 माइनस 4 3 है, 9 माइनस 8 1 है। अब इस 29 को भी नीचे ले आना। अच्छा अब ये 22 है, इसको डबल कर देना तो 2 22 ज़ार 44, यह एक डिजिट के लिए खाली रखना। अब देखिए यहाँ कौन सी डिजिट ले आना, क्योंकि यहाँ तो लास्ट स्टेप है, इसके आगे और नहीं जाएंगे। तो लास्ट में 9 है, तो 3 इंटू 3 9 है, या फिर 7 इंटू 7 49, लास्ट में 9 है, ठीक है। तो या तो यहाँ 3 होगा या तो 7 होगा। तो देखिए यहाँ 7 आने से इसको 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 7 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 4 ज़ार 28, तो 2000 करीबन 3000 हो जाएगा। तो अब क्लियर हो गया भाई, यह 3 होगा, 3 तो यहाँ भी 3 होगा। तो 3 से इसको चेक करते हैं, तो 4 4 3 इंटू 3, 3 2 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 2 कैरी ओवर 1, 3 4 ज़ार 12 प्लस 1 13, तो 13 29 आया ना, तो ऑब्वियसली यहाँ 3 होगा, 13 29। देखिए लास्ट में 0 आ गया रिमाइंडर, तो देयरफॉर अंडर रूट 49729 इज इक्वल टू 223। तो आज के वीडियो इतने तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।